चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है घर तक फाइबर योजना। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है। इसके बाद घर तक फाइबर योजना क्या है, भारत नेट क्या है, फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है और इसके क्या लाभ है पर हम विचार करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। बिहार राज्य में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी घर तक फाइबर योजना की शुरुआत बहुत धीमी है। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 31 मार्च तक सभी गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के लिए राज्य को प्रतिदिन औसतन 257 गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान करने की आवश्यकता है। इस योजना की शुरुआत के बाद 14 अक्टूबर 2020 तक ऑप्टिकल फाइबर केबल लगभग 43,000 गांवों में बिछाया गया है, अर्थात प्रतिदिन 181 गांवों की दर से ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया गया है। आइए अब हम जानते हैं कि घर तक फाइबर योजना क्या है। प्रत्येक घर को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने के लिए इस योजना की शुरुआत 21 सितंबर 2020 को की गई थी। इसके तहत 31 मार्च 2021 तक बिहार के सभी लगभग 46,000 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य भारत के सभी गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना है। इस योजना को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। एक ग्राम पंचायत को भारत नेट के तहत लिटअप माना जाता है जब उसको लगातार इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा प्राप्त होती है। अब हम जानेंगे कि भारत नेट क्या है। भारत नेट परियोजना नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का एक नया ब्रांड नाम है। इस प्रोजेक्ट को लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करने के लिए अक्टूबर 2011 में शुरू किया गया था। 2015 में इस योजना का नाम बदलकर भारत नेट रख दिया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को 100 Mbps स्पीड के इंटरनेट के जरिए जोड़ना था। भारत नेट को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है। आइए अब हम जानते हैं कि फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है। संचार करने के लिए कांच या प्लास्टिक की धागों का फाइबर के रूप में उपयोग करने की एक तकनीक को फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं। यह किसी केबल के अंदर कांच के धागे का एक बंडल होता है जिसमें प्रत्येक फाइबर प्रकाश की तरंगों पर मिश्रित संदेशों को प्रेषित करने के लिए सक्षम होता है। आने वाले समय में इसके संभावित लाभ क्या होंगे, इस पर अब हम विचार करते हैं। इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से हर गांव में ई कॉमर्स, ई शिक्षा, ई फार्मेसी, कॉल सेंटर, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग जैसी सुविधा शुरू हो सकेगी। किसान या छोटे उद्योगपति, नए उद्यमी अपने सामान को ऑनलाइन ई हॉट के द्वारा देश के हर कोने में बेच सकेंगे। गांव में इंटरनेट सुविधा दुरुस्त होगी तो गांव के उद्यमी के लिए रोजगार, नौकरी के नए अवसर खुलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी गांव का विकास होगा। आइए अब हम विचार करते हैं हमारे आज के प्रश्न पर। हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ की गई घर तक फाइबर योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है, यह गांव में ई कॉमर्स, ई शिक्षा को बढ़ावा देगी। हमारा दूसरा कथन है, इस योजना को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा
क्रियान्वित किया जा रहा है। उपरोक्त में से सत्य कथन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक ना ही दो। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसका जवाब आपको बताएंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।